हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का साइंस वन का सारे के सारे आपके सेमेस्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारा का सारा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारे वो वैसे क्वेश्चन है जो आपको टेक्स्टुअल क्वेश्चंस बोला जाता है ना, जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर से आपको टेक्स्ट बुक के बीच से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर चालू होगा और साइंस वन का ही डिस्कशन होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ये चैनल को भी शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे, जिसमें हम साइंस और मैथ्स के वीडियोस बनाते हैं क्लास एट्थ, क्लास नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ। तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए, आपके अगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें साइंस वन में से, तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 से, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर मैं ये चैप्टर में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो लाइट इज एन एजेंट विच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन। याद रखना, जो जो स्टेटमेंट मैं मार्क कर रहा हूँ वो सारे के सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वहीं से लगभग के बोलते ना आजू बाजू से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। फिर लाइट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंटली फिर फ्रॉम स्मूथ फ्लैट सर्फेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, रफ सर्फेस से करेगा तो इरेगुलर। फर्दर जब आप इधर मूव करेंगे तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर इन आवर डेली लाइफ, मिरर आर ऑफ टू टाइप, दैट इज प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। फर्दर मूव करेंगे यहाँ पर तो मिरर इज मेड बाय कोटिंग द बैक सर्फेस ऑफ फ्लैट एंड स्मूथ ग्लास पीस विद थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर टू प्रोटेक्ट दिस रिफ्लेक्टिंग फिल्म एंड टू मेक द साइड ओपेक, अदर कोट ऑफ सब्सटेंस लाइक लेड ऑक्साइड इज गिवन ओवर इट। तो ये लेड ऑक्साइड इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आपको पूछा व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर हम इसमें जब एंट्री करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको ब्लैक स्टेटमेंट्स जो दिख रहे ना वही आपको याद रखना। ये फर्स्ट ब्लैक स्टेटमेंट होगा, ये आपका सेकंड ब्लैक स्टेटमेंट होगा, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज द सेम साइज ऑफ द सोर्स। फिर यहाँ से आपको पूछ सकते हैं विच, ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको मास्टर की में मिल जाएंगे तो वहाँ से उठा लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखेगा, दैट इज लैटरल इन्वर्जन। तो इसका भी ये वर्ड है ना, द इमेज वर्ड्स अपीयर लैटरली इन्वर्टेड इन द मिरर, द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट, तो यहाँ से आपको लैटरली इन्वर्टेड। फिर वापस ये ब्लैक वाला क्वेश्चन, इसका आंसर वापस आपको मास्टर की में मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि कैसे आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही। फिर इसका फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है, इसमें पुटअप करने का, वैल्यू स्कोर सॉल्व करने का। फर्दर मूव करें तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर का सारा बात, और ये इन ऑर्डर टू सी फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग, तो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी द हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। फिर जब हम आगे मूव करेंगे स्पेरिकल मिरर की बात करेंगे, फिर जब हम आगे मूव करेंगे और स्पेरिकल मिरर की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर आना है, कॉनकेव मिरर क्या होता है वो देखना है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहाँ पर रहता है तो इनर सर्फेस रहता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहाँ पर रहता है तो आउटर सर्फेस रहता है। फर्दर हम मूव करेंगे तो पोल की बात करना, द सेंटर ऑफ द मिरर सर्फेस इज कॉल्ड इट्स पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा तो भी चलेगा, फोकल लेंथ का डेफिनेशन आपको याद रखना है। फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ से ये तीन रूल याद करने, रूल वन, रूल टू, रूल थ्री, विथ डाइग्राम याद रखना। नेक्स्ट हाँ, द इमेज इज इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड रियल, फिर द ऑप्टेन क्लियर इमेज, द इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द सोर्स। ये बट इसके लिए आपको डायरेक्ट ये टेबल पे आना है, ये टेबल से आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आपको बोलेंगे भाई ड्रॉ रे डायग्राम बनाने को बोलेंगे। रे डायग्राम अगर आप देखोगे तो मास्टर की में इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखी है मेरे चैनल पे, आपको सिर्फ क्या करना है, रे डायग्राम मिरर डाल के मेरे चैनल का नाम डाल देना और वो आ जाएगा वीडियो बहुत अच्छे से एनिमेशन के साथ, उसमें स्पेशली बात एनिमेशन के साथ वो वीडियो को मैंने कंप्लीट आउट किया है। तो ये सारे के सारे छः पोजिशन हमने कवर आउट किए, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर रे डायग्राम पूछा तो। अगर रे डायग्राम नहीं पूछा तो आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कैसे पूछेंगे तो सुनिए, उसमें आपको बोला जाएगा द पोजिशन of the object is between the pole and the focus, to fir aapko puchhenge what is the nature of the image, to erect and virtual, ya fir aapko puchhenge what is the position of the image, ya fir aapko puchhenge what is the size of the image, to ek koi bhi baat aapko boli rahegi ye dono mein se, aur uske alawa aapko kuch bhi wo puch sakte hain, to ye table aapke liye important ho jayega।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दिस इमेज आर ऑलवेज वर्चुअल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर. वर्चुअल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, ये किसका बात कर रहे हैं? तो भाई कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहे हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर में कुछ भी इमेज कैसा भी कुछ भी हो, हमेशा वो कैसा रहता है? वर्चुअल रहेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट रहेगा, सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर रहेगा. फर्दर फर्दर आगे देखेंगे, कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोकसिंग मिरर. फिर अ पैरेलल रेज गेट फोकस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द साइज ऑफ द इमेज, बस इसमें इतना कुछ नहीं करना है. फिर अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पर्सिंग मिरर, या फिर इसको एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज योर डाइवर्जिंग मिरर. फिर द साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय दिस मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आपको एग्जाम में पूछेंगे डैश मिरर प्रोड्यूस द इमेज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको लिखना भाई कौन सा मिरर है? तो कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट, इफ द सेम मिरर इज टेकन फर्दर अवे फ्रॉम, यहाँ कुछ नहीं, द मिरर यूज इन कार्स एंड मोटरसाइकिल्स आर कॉन्वेक्स मिरर, इन दिस मिरर द इमेज ऑफ फेस इज इरेक्ट. हाँ ठीक है, ये हमको समझ गया. वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मिरर बाय स्टडिंग द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय देम. फिर आगे, हाँ, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, द इमेज फॉर्म बाय लाइट इज एक्चुअली कन्वर्जिंग अ पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज. तो ये रियल इमेज का डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट आपको याद रखना है. नेक्स्ट, द इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज. प्लेन मिरर जो देता है वो वर्चुअल इमेज. द इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट, दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एज द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट हियर. तो ये कैसी इमेज रहती है? तो वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज में एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते. इसके बाद जब नेक्स्ट में आगे देखूंगा, तो व्हेन लाइट रेज कलेक्टेड अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर दे सेड टू कन्वर्ज देयर. व्हेन वी वांट टू ब्रिंग लाइट रेज टुगेदर एट अ पॉइंट कन्वर्जिंग लाइट बीम. कन्वर्जिंग मतलब कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर. कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर. डॉक्टर यूज सच बीम टू कन्वर्ज लाइट ऑन अ टूथ ईयर नोज एक्सेट्रा. तो आपको पूछा डॉक्टर कौन से टाइप का मिरर यूज करता है? तो कॉन्केव मिरर. वाई? बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट रेज. इक्विपमेंट यूजिंग सोलर एनर्जी ऑल्सो यूज कन्वर्जिंग लाइट. When light is starting from a point spread out after reflection by spherical mirror, light is said to have diverged. When we want light rays to spread out from a source, a divergent beam is used, as for example in street lamp. तो ये इनके examples भी आपको याद रखने हैं. Use of concave mirror आपको ये करना है, use of convex mirror आपको करना है, फिर ये sign Cartesian convention आपको यहाँ से करना है. फिर यहाँ पर ये last statement याद रखना, the focal length of concave mirror is negative while that of convex mirror is positive. फिर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैलिड फॉर ऑल, 1/v + 1/u = 1/f, वेयर वी यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. वी क्या है? वी इज योर इमेज डिस्टेंस. एंड व्हाट इज एफ? एफ इज फोकल लेंथ, इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अगर देखिए तो ये क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, और या तो फिर ये भी याद रखना है, दोनों में से कोई भी एक चलेगा. फिर इसके बाद, फॉर वर्चुअल इमेजेस द हाइट इज पॉजिटिव वाइल फॉर रियल इमेजेस इट इज नेगेटिव. एज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर द डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव. ये भी आपको दो तीन क्वेश्चन याद रखने. फिर न्यूमेरिकल्स आपको करना है, याद रखना ओनली टेक्सटुअल न्यूमेरिकल. जितने भी सॉल्ड एग्जांपल वाले वो न्यूमेरिकल कर लो, और जितने भी पीछे वो कर लो. फिर यहाँ से पीछे से आपको क्वेश्चन सारे के सारे देखने ही हैं, क्योंकि इसमें से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर द मैग्निफिकेशन ऑफ सच एन इमेज इज लेस देन वन, ये याद रखना. ये टेबल एक बार ऑलवेज रिमेंबर, एक बार पढ़ लेना. देखो मैंने ये क्वेश्चन बोल रहा था, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द केसेस ऑफ ऑब्टेन पेज नंबर 122. ये भाई छह केसेस है जो मैंने अभी बात किया, तो इसमें से कोई भी एक केस पे आपको डायग्राम ड्रॉ करने को बोलेंगे. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज द स्टडी ऑफ साउंड. जब मैं स्टडी ऑफ साउंड की बात करता हूँ, तो इसके अंदर सबसे पहले तो तुमको याद रखना भाई लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं. फिर आपको याद रखना है ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन याद रखना है. फिर आपको याद रखना है प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी. प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी मतलब क्या? कंप्रेशन. फिर प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी, दैट इज योर रेयर फ्रैक्शन. फिर फर्दर मूव करेंगे और यहाँ पर क्या बोला, देखो द वेवलेंथ ऑफ साउंड इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा वाइल इट्स प्रेशर इंडिकेटेड बाय न्यू एम्पलीट्यूड विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय ए. द टाइम टेकर फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द मीडियम इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड एंड इट इज इंडिकेटेड बाय टी. द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड वाइल द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ और लाउडनेस. तो ये लास्ट का दो स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से याद रखना. नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ब्लैक वाला स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. फर्दर आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, देखो द वेलोसिटी इज हाइएस्ट इन सॉलिड एंड लीस्ट इन गैसेस. इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. यहाँ से आपको ये टेबल एक बार देख लेना, इसमें से कुछ याद नहीं रखना है, बट एक बार देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा और सबसे लीस्ट. फिर यहाँ से आपको ये टेम्परेचर जो है, वेलोसिटी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट है. फिर वेलोसिटी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है.
फिर ये इनके रिलेशंस को याद रखने की, ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है दो तरीके की चीज़ें, सॉरी तीन तरीके की चीज़ें बोलूँ तो, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। तो द लिमिट्स ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन ईयर आर 20,000 to 20,000 हर्ट्ज़, दैट इज़ द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस, दिस आर कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड का रेंज कितना है, 20,000 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। फिर आवर ईयर्स कैन नॉट हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20,000 हर्ट्ज़ से कम हम नहीं सुन सकते। और जब भी जो भी साउंड है जो 20 हर्ट्ज़ से कम होता है, यहाँ पर देखो दिया है, उसको क्या बोला जाता है, इंफ्रा साउंड बोला जाता है। द साउंड प्रोड्यूस बाय पेंडुलम एंड द साउंड जनरेटेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट जस्ट बिफोर एन अर्थक्वेक आर एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड वेव्स। तो एग्जाम्पल भी आपको लिखना पड़ेगा। 20 kHz आर कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड, तो जो 20 kHz से ज़्यादा है उसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। तो ये साउंड को प्रोड्यूस कौन करता है, तो देखो द डॉग, माउस, बैट, डॉल्फिन एक्सेट्रा हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, दस दे कैन सेंस सम नॉइज विच आर इनऑडिबल टू अस। चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, सम क्रिएचर एंड इंसेक्ट कैन हियर वेव्स विद फ्रीक्वेंसी अप टू 25 kHz। बैट्स, माइस, डॉल्फिन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट ये आपको यूजेज याद रखना है, यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। एग्जाम में आपको पूछेंगे राइट द यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो बोला दो वर्ड दिखेगा, गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स। फिर हार्ड एंड फ्लैट सर्फेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर, वाइल क्लोथ, पेपर, कर्टन, कारपेट, फर्नीचर एक्सेट्रा एब्जॉर्ब साउंड ऑफ इंस्टेड रिफ्लेक्टिंग इट एंड देयरफॉर आर कॉल्ड एज बैड रिफ्लेक्टर। तो एग्जाम में आपको एग्जाम्पल देने को बोलेंगे कि गुड रिफ्लेक्टर और बैड रिफ्लेक्टर का एग्जाम्पल दीजिए। फिर इको के बारे में बात करूँ तो इको में आपको पूछेंगे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो भाई यहाँ पर देखो दिया रहेगा 17 point something आएगा, दैट इज 17.2। इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ द अबव, दैट इज 17.2। एज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, दिस डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। फिर यहाँ पर और कुछ नहीं है, इको का मतलब क्या होता है, इको इज एन रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। फिर ये कब होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस। स्पीड कितना होना चाहिए, 344। फिर यहाँ पर ये गोल गुम्बद का बात किया, इको कैन बी हर्ड ड्यू टू कंटिन्यूस और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, द गोल गुम्बद एट विजयपुर इन कर्नाटका इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। एग्जाम्पल पूछेंगे तो गोल गुम्बद लिखने का। नेक्स्ट बात करते हैं रिवरबरेशन का, रिवरबरेशन यहाँ पर दिया है, साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल एंड अ रूफ ऑफ रूम मल्टीपल टाइम, दिस कॉजेज अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट वंस बट कंटिन्यूअसली, दिस इज कॉल्ड रिवरबरेशन। द टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड वेव रीचिंग अस बिकम स्मॉलर एंड रिफ्लेक्टेड साउंड गेट्स मिक्सड, दिस इज रीजन वाई सम ऑडिटोरियम्स आर पर्टिकुलर सीट्स इन ऑडिटोरियम हैव इनफीरियर साउंड रिसेप्शन। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ ऑडिटोरियम्स में साउंड का जो क्वालिटी है वो अच्छा क्यों नहीं रहता, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवरबरेशन। नेक्स्ट सोनार आपको करना है, इसका डायग्राम आपको करना है, डायग्राम पूछते हैं या फिर इसके ऊपर या फिर इसका फुल फॉर्म आपको पूछेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्लस ये कहाँ पर यूज होता है, तो सोनार इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी, सोनार इज ऑल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर रेल्स, वैली सबमरीन, आइसबर्ग, सिंकिंग शिप एक्सेट्रा। फर्दर मूव करें तो सोनोग्राफी की बात करें तो सोनोग्राफी के लिए क्या क्या यूज़ होता है देखते हैं। टेक्नोलॉजी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज टू जनरेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दिस इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ, किसके लिए यूज करते हैं, तो कॉज ऑफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन, द कंडीशन ऑफ हार्ट, द स्टेट ऑफ हार्ट आफ्टर हार्ट अटैक एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ फीटस इनसाइड द वूम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर स्टडीज यूजिंग दिस टेक्निक। तो इसमें से कोई भी आपको पूछेंगे कि क्यों ये स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस टेक्निक में किसका यूज करता है, तो प्रोब और जेल का, द जेल इज यूज टू मेक प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रोब सो दैट फुल कैपेसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज्ड। ये आप यहाँ से कर लीजिए, दिस मेथड पेनिट इज इंक्रीजिंगली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर करेक्ट डायग्नोसिस। फर्दर आगे चले तो ह्यूमन ईयर की बात करें तो आपको आउटर ईयर करना है, मिडल ईयर करना है और इनर ईयर करना है। नेक्स्ट यहाँ के देख भाई न्यूमेरिकल्स बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछेंगे, अगर ऑप्शन में रहेंगे ना तो छोड़ देना क्योंकि इसके न्यूमेरिकल शायद तुमको करने में प्रॉब्लम हो, तो अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो आप लीव आउट कर सकते हो, बट बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व आउट करने हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर 13th चैप्टर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा क्योंकि इसके अभी पहले जो चैप्टर्स थे वो आपको यूनिट टेस्ट में हुए हैं बट 13th चैप्टर यूनिट टेस्ट में नहीं हुआ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है, ये टेबल याद रखना है। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार के चार स्टेटमेंट। फिर एलोट्रोप क्या होता है, एलोट्रोप्स क्या होता है, यहाँ से आपको ये करना है। फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म की अगर बात करूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है। फिर इसमें से डायमंड को कहाँ कहाँ मिलता है, डायमंड वो नाम याद रखना, और इंडिया में कहाँ मिलता है, पन्ना में ज़्यादा मिलता है वो याद रखना है। फिर
अभी यहाँ पर आपको डायमंड का स्ट्रक्चर करना है, प्रॉपर्टीज करनी, सारी नहीं करनी, जितनी आपको याद होती उतनी करो, सब नहीं करने का, यूजेस में भी जितना याद होता है उतना करो। ग्रेफाइट का भी सेम, ग्रेफाइट रहेगा फिर उसका स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर के बाद, अच्छा इसमें एक चीज़ है, एक्स्ट्रा वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफीन, ये याद रखना। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज आएगा ग्रेफाइट का और यूजेस, प्रॉपर्टीज और यूजेस तो आपको सबको करनी है, एटलीस्ट 3-4 प्रॉपर्टीज करके रखो, ज़्यादा नहीं करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट बंदा है आपका कौन सा, फुलेरिन। फुलेरिन के लिए आपको याद रखना है तो C60, 70, 76, 82, C80 से आर द एग्जांपल्स ऑफ फुलेरिन, देयर मॉलिक्यूल्स ऑकर इन स्मॉल नंबर इन सूट। फिर यहाँ पर द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फुलेरिन इज बकमिंस्टर फुलेरिन, बस इतना ही, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, रेयरली फाउंड, इट इज फाउंड इन सूट एंड इन इंटरस्टिलर स्पेसिस, इसका प्रॉपर्टीज और इसका यूजेस। नेक्स्ट आगे चले तो नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस फॉर्म, तो सबसे पहला कोल है, कोल के कितने फॉर्म है, पीट, लिग्नाइट, बाइटुमिनस, एंथ्रासाइट, जिसमें से आपको कभी कभार पूरा लिखने को बोलेंगे या फिर आपको बोलेंगे प्योरेस्ट फॉर्म, तो प्योरेस्ट फॉर्म बोल दिया तो कौन है, तो भाई तो एंथ्रासाइट। प्लस इसके साथ इसका ये भी नंबर्स भी याद रखना, यहाँ पर भी ये नंबर से याद रखना, यहाँ पर भी ये नंबर से याद रखना। फिर यूजेज ऑफ कोल आपको पूछेंगे, फिर यूजेज ऑफ कोक पूछेंगे, चारकोल क्या होता है वो पूछेंगे। फिर हम जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको पूछेंगे, देखो द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। फिर हम आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो यहाँ से देखना एक बार, एंड कार्बन आइटम एग्जिस्ट प्रॉपर। तो चलिए इसके बाद ये सेक्शन देखते हैं हम लोग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो दिया है, सम हाइड्रोकार्बन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन आइटम, मल्टीपल बॉन्ड कैन बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन हैविंग एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड्स और कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जिसके अंदर भी एक बॉन्ड से ज्यादा रहेगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा, और जिसके अंदर सिर्फ एक बॉन्ड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्दर आगे चलेंगे तो ये डायग्राम देखो, ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये पूछेंगे। फिर यहाँ पर इसमें तो कुछ नहीं पूछेंगे, और हाँ यहाँ पर ये देखो, ये रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विद CO2, तो इसका व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड द चेंज, बिकॉज ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है, तो CO2 के साथ रिएक्ट करता है। फिर CO2 का आपको मॉलिकुलर मास दिया, मेल्टिंग पॉइंट दिया, ये आपको यहाँ से करना है, CO2 इज गिवन आउट इन कम्बशन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल। फिर फर्दर चलेंगे तो यहाँ से देख लो, ये सेटअप दे सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं देंगे, ये भी कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर दे सकते हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर पूछा जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 थ्रू नाइको सोल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, फिर राइट डाउन द रिएक्शन, ये दोनों मास्टर किसे कर लेना। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का यूजेस क्या रहता है वो दिया। रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिया है, और इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, तो देखो द कैप्सूल ब्रेक्स द नॉ प्रेसिंग द सल्फ्यूरिक एसिड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू रिएक्ट केमिकली टू रिलीज CO2 विच कम्स आउट। CO2 बेस्ड फायर डू नॉट कॉज करोजन एंड आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Therefore, these are used when electrical and electronic equipment catches fire. तो एग्जाम में आपको पूछेंगे which type of fire extinguisher are used when electrical or electronic equipment catches fire? तो CO2 based fire extinguisher. CO2 based fire extinguishers are used for extinguish small fire. It is beyond their capacity to extinguish a big fire. In modern fire extinguisher, liquid and solid CO2 is filled under pressure and reducing the pressure to become gases and comes out hose like hose pipe. तो ये जो पाइप है इसको बोला जाता है, नहीं ये पाइप नहीं, ये वाला पाइप देखो, ये वाला पाइप दिख रहा है, इसको बोला जाता है हॉर्स लाइक पाइप। तो आपको एग्जाम में इसका डायग्राम भी ड्रॉ करने को बोलेंगे, तो डायग्राम भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये पेज पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, मिथेन वाला पेज, ये ऑकरेंस उसका आपको याद रखना है, प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद आपको मिलेगा यूजेस भी आपको याद रखना है। फिर हम यहाँ पर जाते हैं तो बायोगैस पावर प्लांट पूरा का पूरा आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में ये ड्रॉ भी करने को आएगा, तो ये डायग्राम भी आपको याद रखना है भाई। इसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ एसिड, ये दोनों सेक्शंस भी आपको करने हैं। फर्दर ये जो बैक साइड के क्वेश्चन है ये तो आपको करने ही है, यहाँ पर भी जितने भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं आप उतने कर लीजिए, बल्कि जो मैंने आपको बताया आपका पेपर ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा रहेगा तो उसमें आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 14, सब्सटेंस इन कॉमन यूज। इसमें देखो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना द इंपॉर्टेंट सॉल्ट फाउंड इन सी वाटर। फिर इसके बाद जब हम आगे जाएंगे, आगे मूव करेंगे, हाँ तो यहाँ पर आपको ये वैल्यूज याद रखनी है टेबल। फिर इसके इसी से रिलेटेड इधर नीचे दिया, सॉल्ट इज न्यूट्रल व्हेन पीएच वैल्यू इज 7, सच सॉल्ट इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज लेस देन 7 एंड इट इज एसिडिक सॉल्ट, अदर देन पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज मोर देन 7 एंड इट इज बेसिक। फिर अभी इसमें देखो सबसे पहला तुमको दिया सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिया है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ये सारे के सारे आपको करने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, यहाँ से आपको ये याद रखना है रॉक सॉल्ट क्या होता है।
फिर हम आगे बढ़ेंगे तो दिया आपको नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका भी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस इधर दिया है, तो ये आपको यहाँ से देख के अच्छे से सॉल्व आउट, अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर ब्लीचिंग पाउडर दिया, दैट इज ऑल्सो इसका साइंटिफिक नेम। एग्जाम में साइंटिफिक नेम भी पूछेंगे तो एग्जाम में आपको बोलेंगे बेकिंग सोडा, बोलेंगे साइंटिफिक नेम बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। हाँ तो यहाँ पर देखें तो क्लोरीन इज इनकन्वीनियंट टू हैंडल बिकॉज इट इज गैशियस इंस्टेड इंस्टेड द सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर विच हैज द सेम इफेक्ट इन मोर कन्वीनियंट टू यूज। ब्लीचिंग पाउडर एंड गो स्लो डिकम्पोजिशन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड क्लोरीन गैसेज। ब्लीचिंग पाउडर गेट्स इट्स प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ दिस क्लोरीन गैस। तो ऐसे सेंटेंसेज आपको यहाँ से मार्कआउट करके रखने हैं और इसका प्रॉपर्टीज और यूजेज दिया। हाँ ये दो चैप्टर में से प्रॉपर्टीज और यूजेज बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत अच्छे से करके रखिए। वॉशिंग सोडा Na2CO3.H2O। यहाँ से द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट। Na2CO3 इज एडेड टू सॉफ्टन सच वाटर एंड मेक इट सुटेबल फॉर यूज। द रिएक्शन विद Na2, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया वो याद रखना। सोडियम कार्बोनेट इज वाटर सॉल्ट, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ सोडियम। क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट्स ऑन कीपिंग लूजेस इट्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन रेडिली एंड वाइट पाउडर इज ऑब्टेन। दिस पाउडर इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। फिर वापस इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिया और ये देखो ऐसे डब्बे भरने को बोलेंगे। फिर यहाँ पर आपको ये सबका नाम याद रखना है, एल्यूमिनियम बोराक्स एप्सम सॉल्ट बेरियम सुलाइड और सोडियम सल्फेट। फिर हम फर्दर जब मूव करेंगे तो यहाँ पर देखो ब्लू विट्रोल इज यूज इन ब्लड टेस्टिंग फॉर डायग्नोसिंग अनीमिया इन बोर्डियाक्स मिक्सचर विच इज यूज एज अ फंगिसाइड ऑन ग्रेप स्लिक लाइम। इट इज यूज विद ब्लू विट्रोल, ये आपको करना है। फिर हाँ यहाँ पर दिया देखो एलम इज यूज इन प्रोसेस ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। फिर फर्दर जब मूव करेंगे तो हम सोप की बात करते हैं, ये देखो वाटर डिटर्जेंट्स दिया। तो एग्जाम ये आपको मास्टर की से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। व्हेन ऑयल और एनिमल फैट इज बॉइल्ड विद एक्वस सॉल्यूशन सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड। व्हेन सोप इज मिक्स्ड विद हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड। फिर ये दो डिफरेंस है बाथिंग और वॉशिंग सोप, ये भी आपको सेम मास्टर की में अच्छे से इसके पॉइंटर्स दिए हुए हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज अवर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको याद रखना सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कौन सा प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। एलिमेंट्स विद हाई एटॉमिक नंबर सच एज यूरेनियम थोरियम रेडियम हैव प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियसली एमिटिंग विजिबल इनविजिबल हाईली पेनिट्रेटिंग एंड हाई एनर्जी रेडिएशन, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम जब फर्दर चलेंगे तो रेडिएशन ऑकर्स फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। फर्दर यहाँ पर ना यहाँ पर इतना कुछ है नहीं देखने लायक, आपको सीधा सा सीधा इधर आना है, ये टेबल आपको करना है बट इसमें पूरा नहीं करना है, जो आपको समझ में आ रहा है वो कर लीजिएगा। जैसे आयोनाइजेशन पावर होगा फिर यहाँ पर आओगे। इट इज मीन्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन वेरियस फील्ड सच एज साइंटिफिक रिसर्च एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मेडिसिन। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर यूज इन टू वेज, बाय यूजिंग द रेडिएशन अलोन बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ। इसमें से कुछ नहीं करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि ये इसमें से आपको उतना कुछ पूछेंगे नहीं, खाली ये फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखना अल्फा जो है वो पॉजिटिव है बीटा जो है वो नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाता है। फिर अब ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स एज फॉलोज। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल फील्ड रेडियोग्राफी क्या याद रखना है, कोबाल्ट ये वाला एंडिंग पार्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल वर्क। फिर मेजरमेंट ऑफ थिकनेस डेंसिटी एंड लेवल अगर देखूं तो इसमें हम बात करेंगे तो मटेरियल इनसाइड पैकेजिंग कैन ऑल्सो भी एग्जामिन बाय द सेम टेक्निक। फिर यहाँ पर द रेडिएशन रीड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेराइज विद द थिकनेस ऑफ द शीट, बस इसमें इतना ही है। फर्दर नीचे देखेंगे तो ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस, तो इसके लिए किसको यूज़ किया जाता है, तो क्रिप्टोनिटिफाइड इज यूज इन HID दैट इज हाई डेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प, वाइल प्रोमीथियम 147 इज यूज इन पोर्टेबल एक्सरेज यूनिट एज अ सोर्स ऑफ बीटा रेज। नेक्स्ट यूज इन सिरामिक आर्टिकल्स, ल्यूमिनस कलर्स आर यूज टू डेकोरेट सिरामिक टाइल यूटेंसिल प्लेट्स, अर्लियर यूरानियम ऑक्साइड वॉज यूज इन दिस पेंट। तो आपको ना ये जो जितने भी मैं नाम मार्किंग करके दे रहा हूँ ये सारा का सारा आपका क्या रहने वाला है भाई, तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछेंगे तो जीन्स एंड क्रोमोसोम दैट गिव स्पीड प्रॉपर्टी सीड प्रॉपर्टीज लाइक फास्ट ग्रोथ हायर प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा कैन बी मॉडिफाइड बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन, तो ये इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। द रेडियो एक्टिव आइसोट ऑफ कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, अनियन पोटैटोज आर इरेडिएटेड विद गामा रेस फ्रॉम कोबाल्ट 60 टू प्रिवेंट देयर स्प्राउटिंग, स्ट्रॉन्शियम 90 इज यूज एज ट्रेसर इन द रिसर्च ऑन वेरियस क्रॉप्स। नेक्स्ट आगे चले तो मेडिकल साइंस अगर देखो तो पहला पॉलीसाइथेमिया बोन कैंसर हाइपरथायरॉयडिज्म एंड ट्यूमर डिटेक्शन। पॉलीसाइथेमिया में फॉस्फरस 32 इज यूज इन दिस ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद बोन कैंसर में स्ट्रॉन्शियम 89 स्ट्रॉन्शियम 90 समेरियम 153 रेडियम 223 आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन आएगा तो एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, फिर वेट लॉस
सिम्टम्स ऑफ हाँ इट ऑकर्स, तो इसमें कौन यूज़ किया जाता है? आयोडीन 123 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। ट्यूमर डिटेक्शन बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। आर्सेनिक 74 इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूमर इन द बॉडी। ये इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। फिर ये हजार्ड से इसमें से कोई भी एक दो पॉइंट्स पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। चेर्नोबिल उससे उतना कुछ है नहीं यहाँ पर आपको। हाँ यहाँ पर अगर आप देखें तो कलर्स के बारे में बात किया, कलरफुल ईटेबल्स। तो कलर्स आर मिक्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फूड स्टफ अवेलेबल इन द मार्केट। दिस फूड कलर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जेल्स एंड पेस्ट। फूड कलर्स आर यूज इन डोमेस्टिक एज वेल एज। फिर आगे चलोगे हाँ तो यहाँ से हार्मफुल इफेक्ट्स इसका आपको पढ़ना है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कलर। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों आपको पढ़ने हैं। हाँ यहाँ से ये देख लो, टेट्राजीन सनसेट येल्लो आर आर्टिफिशियल फूड कलर यूज एक्सटेंसिवली, हाउएवर ओवर कंजम्पशन ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर कैन बी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। फिर ये डाई का बात करें तो डाई के लिए देखो यहाँ पर यूजेस दिया है और एडवर्स इफेक्ट दिया है, ये आपको यहाँ से करना है। नेक्स्ट अगर आर्टिफिशियल कलर की बात करें तो यहाँ पर दिया देखो, रेड कलर इज यूज ऑन रंगपंच इज वेरी डेंजर, इट कंटेन्स हाई प्रपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी इन इट, दिस पोजेस रिस्क फॉर ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, अस्थमा, इचिंग ऑफ द स्किन, परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ स्वेट पोर्स एक्सेट्रा। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज कॉशियसली, यूज करो बट संभल के यूज करो, ऐसा बोला है। डिओड्रेंट की बात करें तो डिओड्रेंट क्या कंटेन करता है, देखो डिओड्रेंट कंटेन्स पैराबेंस दैट इज मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बेंजाइल ब्यूटाइल एंड ऑल्सो अल्कोहल इन लार्ज प्रपोर्शन, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका आर ऑल्सो यूज। फिर ऑर्डिनरी डिओ टाइप्स है, ऑर्डिनरी एंटी पेरिस्परेंट क्लिनिकल हार्मफुल इफेक्ट्स, इसका हार्मफुल इफेक्ट भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम आएंगे टेफ्लॉन पे, टेफ्लॉन पे बोला है यूज फॉर कुकिंग यूटेंसिल एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट टू अवॉइड स्टिकिंग। तो ये कहाँ से बनता है, तो पॉली टेट्रा फ्लूरो इथाइलिन, ये इसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा और यूजेज। तो प्रॉपर्टीज और यूजेज आपको दोनों करने हैं। फिर पाउडर कोटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है खाली। हाँ देख लो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डेपोजिशन पे करते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन कर रिजल्टिंग इन द पाउडर कोटिंग कैन बी डन मीडियम डेंसिटी फाइबर, बस इतना ही है। फिर एनोडाइजिंग की अगर मैं बात करूँ, प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम मेटल विद ऑक्सीजन इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस, दिस लेयर कैन बी मेड ऑफ द डिजायर्ड थिकनेस, एनोडाइजिंग इज डन बाय इलेक्ट्रो लाइसिस, डायल्यूट एसिड इज टेकन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द ह्यूमन, बस इसमें इतना है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑकर्स एंड अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द एनोड दैट इज आयन आर्टिकल, दिस लेयर कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय एडिंग कलर इन द सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इधर इतना ही भाई, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। सिरामिक इज हीट रेजिस्टेंस, ये सिरामिक वाला सेक्शन आपको करना है। फर्दर पोर्सिलिन करना है, बोन चाइना करना है और एडवांस सिरामिक्स करना है। इसमें से नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं जो आपको ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनिया जर्कोनिया सिलिका एंड सम अदर कंपाउंड लाइक सिलिकॉन कार्बाइड बोरॉन कार्बाइड आर यूज इंस्टेड ऑफ क्ले फॉर मेकिंग एडवांस सिरामिक। फिर यहाँ पर एक देखो लास्ट दिया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंटरिंग, ये सिंटरिंग का प्रोसेस वो आपको याद रखना है। फर्दर देखेंगे तो सिरामिक कैन विदस्टैंड हाई टेंपरेचर विदाउट डिकम्पोजिंग, सिरामिक इज ब्रिटल वाटर रेजिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर कोटिंग द इंटीरियर ऑफ क्लीन द आउटर सर्फेस ऑफ शिप्स एंड ब्लेड्स ऑफ जेट इंजिन्स, अ सर्टन टाइप्स ऑफ सिरामिक टाइल्स आर फिक्स्ड ऑन द आउटर लेयर ऑफ स्पेस शटल, सम टाइप्स ऑफ सिरामिक्स आर यूज्ड इन सुपर कंडक्टर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट में आएंगे और बैक साइड के क्वेश्चन तो आपको करने हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन साइंस वन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहेंगे। देख भाई मैं ये आपको मास्टर की के क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये टेक्सुअल क्वेश्चन है और आपका जितना भी पेपर बनेगा वो इसी के आजू बाजू में बनेगा। आपको जो वन मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो टू मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको जो भी मैंने पॉइंटर्स मार्क करके दिया है इसमें से मिलने वाले हैं। तो इसी को बहुत अच्छे से बार 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 स्टडी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, दैट इज हम साइंस 2 की वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर आउट करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।